अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्निंग कुरान। द लर्निंग कुरान में खुशामदीद। और कुरान पाक की ट्रांसलेशन का सिलसिला है जो हमने सूरह हाक़ा मुकम्मल की थी। सूरह अल माआरिज हमने स्टार्ट करनी है। तरीक़ाकार वही है, एक सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे के अंदर कुरान पाक की ट्रांसलेशन। पहले वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, देन एज अ होल ट्रांसलेशन, उसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी आयत मुबारक या हदीस मुबारक की जो शान नज़ूल, आयत मुबारक की जो शान नज़ूल है, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्लाह पाक ने उसको नाज़िल फरमाया, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो ऐप है, ये है तफसीरुल कुरान बाय मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी। बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर तर्जुमा और तफसीर इसमें का जिक्र किया गया है। बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेनेशन है इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं सतुलमारिज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सअल साइलुम, सवाल किया सवाल करने वाले ने, बे अज़ाब वाक़ी, जो वाक़या होने वाला है। किसी तलब करने वाले ने इस अज़ाब का मुतालबा किया जो वाक़या हो के रहेगा। लिलकाफ़िरीन लैस लहू दाफ़िअ, काफ़िरों के लिए नहीं है इसको कोई वास्ते, इसके कोई दफ़ा करने वाला। जिस तरह काफ़िरों से, जिसे काफ़िरों से कोई टालने वाला नहीं। तो काफ़िर क्या करते थे? काफ़िर ऐसा अज़ाब तलब करते रहते थे। अल्लाह से भी अपने हक़ में ऐसी दुआ किया करते थे, जैसे कि सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 32 में मज़कूर है कि काफ़िर कहते थे कि अल्लाह, अगर ये कुरान वाकई तेरी तरफ से नाजिल हुआ है तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा, यहाँ पर अज़ाब भेज दे। रवायात में ऐसी बददुआ करने वालों को दो नाम मज़कूर हैं, एक अबू जहर बिन हशाम और दूसरा नजर बिन हारिस। इस बददुआ से मालूम होता है कि वो कुरान को अल्लाह की तरफ से नाज़िलशुदा तस्लीम करने को कतन तैयार ना थे, ना ही उन्हें कुरान की वईद का कुछ एतबार था। ये तो इन लोगों का दुनियावी अज़ाब से मुतल्लिक मुतालबा था। आखिरी अज़ाब का मुतालबा करने वाले तो बहुत थे, जो इसराए तमस्खुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे, जिस अज़ाब से धमकाते हैं वो लेकर क्यों नहीं आते, यूँ कहते कि जिस अज़ाब से डराते हैं वो कब आएगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि वह अज़ाब आएगा भी और ज़रूर, और जब भी आया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें कोई इससे बचा नहीं पाएगा। मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, अल्लाह की तरफ से। ज़िल मआरिज जो अरूज के जीनों का मालिक है। ये अज़ाब अल्लाह की तरफ से आएगा जो बुलंदियों का मालिक है। मारिज की लगवी तशरीह,